आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया अपना जन्मदिन। सरकारी स्कूल की रसोईया माता को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिले में उन्नाव पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व अपने जन्मदिन को स्कूली बच्चों के साथ पर्यावरण संरक्षण जागरूकता दिवस के रूप में मनाया। सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय सुल्तानखेड़ा और उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंदूखेड़ा में बच्चों को उपहार स्वरूप बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स और केले आदि देकर अपना जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन पर सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंदूखेड़ा की रसोई माता शांता और बिट्टो को उपहार स्वरूप साड़ी भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। पुलिस वाले अंकल अनूप मिश्रा ने बच्चों के साथ स्कूल परिसर में पौधे लगाकर बच्चों को वृक्ष रक्षा जन सुरक्षा का संदेश दिया। पुलिस के कर्तव्यों को बखूबी निभाने वाले अनूप मिश्रा अपने पर्यावरण संरक्षण प्रेम के लिए जाने जाते हैं और टी मैन के नाम से लोकप्रिय हैं। अनूप मिश्रा ने अपने जन्मदिन पर 51 छायादार फलदार पौधे लगाकर बच्चों, शिक्षकों और गाँव वासियों को पेड़ पौधों की रक्षा का संकल्प दिया। प्राथमिक विद्यालय सुल्तानखेड़ा की हेड शिक्षक श्रद्धा सिंह और कीर्ति विश्वकर्मा शिक्षा मित्र ने सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व के जन्मदिन पर उनसे केक कटवाया और सेवा कार्यों हेतु उनको सम्मानित किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय हिंदूखेड़ा में आयोजित जन्मोत्सव के में शिक्षक अंजू पांडे, सुरेश कनौजिया शिक्षक, शिवम आज़ाद आदि तमाम बच्चे और छात्र छात्राएं तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। जैसे वो गिफ्ट लेके पेंसिल बॉक्स आया, आपने चॉकलेट दे दी, ठीक, कोई और कुछ सामान लेके आया तो आपने उसको अंकल चिप्स दे दिए, ऐसे कुछ देते हैं। लेकिन ये पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं और पूरी तरीके से पौधे जो होते हैं वो मेडिकेटेड होते हैं। इनकी बहुत सारी चीजों से औषधियां बनती है, दवाइयां बनती है, वो सब आप लोग जानते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना है पौधों को लगाना है और उनके जीवन का संरक्षण करना है, यानी कि उनको बचाना है, ठीक। और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बचपन से करता आ रहा हूँ। अपने गांव में जाता था, वहां भी लगाता था, धीरे धीरे अब हर विद्यालय में, हर जगह जहां भी आता हूँ मैं पौधे लगाता हूँ और वो जिम्मेदारी आपको दे देता हूँ, ठीक। पिछले साल आप 12 साल से 13 साल में पढ़ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो आपकी उम्र बढ़ गई। तो इनका कहने का मतलब है रानी, रानी नाम है ना, दीपाली, दीपाली ने कहा कि मेरी उम्र जब 12 वर्ष से 13 वर्ष हो गई और मेरा जन्मदिन मनाया गया तो मेरे माता पिता ने बताया कि मेरी उम्र 12 जुलाई को, मैं घोषणा कर देता हूँ। वो घोषणा ये है, मेरी इस अभियान में, मिशन क्लीन एंड ग्रीन में, हर विद्यालय में एक आर्मी गठित होती है जिसका नाम होता है क्लीन एंड ग्रीन आर्मी। क्या होता है ग्रीन एंड ग्रीन आर्मी, ये बताना जरूरी है।
तो मैं मैम से कहूंगा कि क्लीन ग्रीन आर्मी में जो शामिल होंगे बच्चे, ठीक, उनको सौ पूरे वर्ष भर आपकी मैम आपके सर मॉनिटर करेंगे कि आप अपने स्कूल को हमारी ग्रीन क्लीन आर्मी के जो बहुत अच्छा योगदान देंगे उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी ग्रीन आर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पेड़ पौधों के साथ कैसा संबंध बने। अच्छा। सहयोग राशि भेजने के लिए QR कोड को स्कैन करें, द्रवण भारत समाचार पत्र और चैनल को सहयोग राशि भेजें। सेंड डोनेशन टू द्रवण भारत न्यूज़पेपर एंड चैनल। थैंक यू। दर्शकों से अनुरोध है कि द्रवण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।